देख सकते हो गाइस, भोलेनाथ की एक प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। और आज शिवरात्रि के महापर्व पर बागेश्वर धाम में दर्शन करने आए श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं। देख सकते हो, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। देख सकते हो गाइस, ये बागेश्वर धाम का गेट जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हो सामने ये बागेश्वर धाम का गेट, और यहाँ पर देख सकते हो काफी भीड़ है, जो कि शिवरात्रि का त्योहार है। तो ज्यादातर वक्त आसपास के ही है। देख सकते हो यहाँ पर शानदार पार्किंग की व्यवस्था है। देख सकते हो गाइस, अब हम जा रहे हैं अंदर भगवान बागेश्वर धाम के दर्शन करने, बाघ बागेश्वर के। आप देख सकते हो काफी भीड़ है यहाँ पर। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बागेश्वर धाम, जहां पर देख सकते हो हर सब शिवरात्रि पर मेला लगता है। आप देख सकते हो यहां पर देख सकते हो इस भंडारा चल रहा है। देख सकते हो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा लगी है। तो गाइस, मैंने फाइनली आपको दर्शन करवा दिए भगवान भोलेनाथ के। देख सकते हो दोस्तों, बागेश्वर धाम में हर वर्ष की तरह आज भी मेला लगा हुआ है। इसमें बहुत शानदार प्रदर्शनी लगी गई है और जगह जगह इंस्टॉल बने हुए हैं, खाने पीने की, खेलने के। और देख सकते हो आप, काफ़ी शानदार व्यू आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो गाइस, डिफरेंट टाइप की प्रदर्शनी आपकी लगी हुई है। और ये आप देख सकते हो अब
और इधर देख सकते हो यहाँ पर भंडारा चल रहा है, शानदार व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। और इधर आप देख सकते हो मेले में देख सकते हो गाइस, ये छोटा एलिफेंट यहाँ पर बना हुआ है, देख सकते हो। इधर देख सकते हो चिंपांजी बैठे हुए हैं। देख सकते हो हरियाली, और इधर देख सकते हो गाइस ये बनी है ओम की आकृति। और ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों चांचौड़ा का फोर्ट, जो चंपावती के नाम से जाना जाता है, और किले की इस फोर्ट की काफी यादें जुड़ी हैं चंपावती से। तो देख सकते हो दोस्तों काफी पर्यटक आए हुए हैं किले को देखने को। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, जय हिंद। I'm gonna go get more.